हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं जी प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इक्विपमेंट के बारे में। हॉलमार्किंग सेंसर में कितने इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उसको हर एक इक्विपमेंट की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आज की सारी वीडियो हम बना देंगे। हॉलमार्किंग सेंटर में करीब 62 आइटम यूज होती हैं एज ए इक्विपमेंट। हम अपने इक्विपमेंट्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते जाएंगे। पहला हमने लिया है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इंपॉर्टेंट है। माइक्रोमीटर को स्क्रू गार्ज भी बोलते हैं। ये हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है। माइक्रोमीटर इस तरह से मिलता है। अगर आपने 12th में एक्सपेरिमेंट किया होता है, इसको स्क्रू गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दो पॉइंट होते हैं, ए और बी, और ये यहाँ से खुलता है। इसको खोल देते हैं। अगर किसी भी, ये बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी मटेरियल का थिकनेस। थिकनेस मतलब मोटाई, या कितना मोटा है या कितना पतला, उसको मेजरमेंट करने के काम आता है। जैसे कि आपका, हमारे पास एक सिल्वर बार है। अगर इसकी हमें थिकनेस मेजर करनी है तो कैसे मेजर करने पहले हम इसको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर मेजरमेंट करें। इसमें दो पार्ट है, इसके ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट, जब किसी भी इक्विपमेंट को, जो मटेरियल आपको इसकी थिकनेस मेजर करनी है, उसको ए और पार्ट बी के पार्ट में बीच में रखना है। रखने के बाद इसमें देखिए दो तरह के डिवीजन है इसमें। एक लीनियर डिवीजन, एक लाइन में मार्किंग की गई है, उसको बोलते हैं लीनियर स्केल डिवीजन, और शॉर्ट में बोल सकते हो LSD, लीनियर स्केल डिवीजन। और इसके बाद एक सर्कुलर रीडिंग भी इसमें है, इस तरह से देख सकते हैं। सर्कुलर डिवीजन को बोलते हैं CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो जब हम किसी भी चीज़ की, जैसे ये हमारे पास सिल्वर बार है, इसका हमने थिकनेस मेजर करना है, तो इसके दोनों के बीच में, ए और बी पार्ट के बीच में रख के इसको हम इसको क्लोज करते हैं और एकदम टाइट कर देते हैं। और ये हमने इसको टाइट कर दिया। अभी ये ओपन है हमारा 5, 6, 7, 8, 9 तो खुला है। 9 का लीनियर स्केल डिवीजन है 9, और सर्कुलर स्केल डिवीजन है 30, 31, 32। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, हमारा जो है LSD प्लस CSD मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो LSD हमारा है, अभी किया है 9 प्लस करेंगे उसमें CSD कितना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है हमारा 32, फिर मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट लगता है, इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो हमारा जो थिकनेस आ जाएगी इसका 9.32 मिलीमीटर, जो थिकनेस मेजर करते हैं मिलीमीटर में मेजर करते हैं बेसिकली। तो इस तरह से हम स्क्रू गेज को यूज कर सकते हैं। स्क्रू गेज का एसआईएन हॉलमार्किंग सेंटर में यूज है। इसे हम क्या बोर्ड की स्ट्रिप बनाते हैं, स्ट्रिप का थिकनेस मेजर करने के काम आता है। एज पर IS हमारा जो बोर्ड का स्ट्रिप बनाते हैं उसकी थिकनेस 0.12 मिलीमीटर से 0.15 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो गाइस, ये थी वीडियो हमारे स्क्रू गेज के कैसे यूज करेंगे, कैसे रीड करेंगे और किससे मेजरमेंट कैसे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग जैसे जितनी जानते हैं, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। अगर आपको हॉलमार्किंग की कंसल्टेंसी की सर्विस चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894 और मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।